बिट्टू बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? रिसेस में आया हूँ। ओह लो 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 क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा रिटू हाँ अरे देखो ये रो रहा है। अरे कितना रो रहा है ये? इतना तो ये उस वक्त भी नहीं रोया था जब मेले में खो गया था। नाना जी उस वक्त प्रिंसिपल सर ने मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं दिया था। अरे कैसा प्रोजेक्ट? लास्ट वीक ही तो मैंने एनवायरनमेंट पर प्रोजेक्ट बना के दिया था। ये उसी का नतीजा है मम्मा। हाँ साफ साफ बता ना माजरा क्या है। अरे इतना हंगामा तो अपोजिशन वाले भी नहीं करते किसी प्रोजेक्ट को लेके। आप जरा खामोश रहेंगे प्लीज। बोलो बेटा बोलो। नानी माँ हाँ। वो मेरा लास्ट वीक का होमवर्क वाला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था। हाँ। जिसने मैंने हेल्प की थी। तुमने क्या हेल्प की थी? अरे मैंने इसे छोटे छोटे पेड़ बना के दिए थे। अच्छा अच्छा वो जिसमें आम के पेड़ पे संतरे लगे हुए थे। प्रोजेक्ट ही वैसा था। हाँ नाना जी और वह प्रोजेक्ट मेरे प्रिंसिपल सर को इतना पसंद आया कि मेरे सर ने मुझे दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। ए भगवान ये स्कूल वाले स्टूडेंट्स के बजाय पेरेंट्स को क्यों होमवर्क देते हैं? अरे अब की बार कौन सा प्रोजेक्ट दिया है? स्कूल की बिल्डिंग का। हाँ स्कूल की बिल्डिंग का। हाँ प्रिंसिपल सर ने बोला है कि कार्डबोर्ड का स्कूल मॉडल बनाओ, अगर पसंद आया तो हम तुम्हारी मम्मी को इनाम देंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए इनाम विनाम। मम्मा अरे देखो तुम्हारे स्कूल के होमवर्क के चक्कर में मेरा घर का होमवर्क पेंडिंग रह जाता है। मम्मी परसों तो अगर मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो प्रिंसिपल सर मुझे फेल कर देंगे। बिट्टू बेटा तू बगैर प्रोजेक्ट के फेल नहीं हो सकता। बाय डार्लिंग सी यू सी यू। अच्छा शाम को डायरेक्ट घर आ रहे हो ना? डायरेक्टली नहीं आऊंगा तो क्या इनडायरेक्टली आऊंगा? डायरेक्टली घर आऊंगा ना, और कैसे घर आ सकता हूँ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वो रम्मा नाम की डायन तुम्हें जैसे ही फोन करती है तुम छलांग मारकर उसके पास पहुंच जाते हो। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रितु ऑफिस से इतना नजदीक तो नहीं रहती डाले। एक बात कान खोल कर सुन लो। अरे इतना मत चिल्लाओ, कान खुलने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम उस रम्मा नाम की डायन के घर गए हो शाम को तो मैं इस घर के दरवाजे तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। और अगर दोपहर में गया तो? शट अप। फोन। हेलो रोहन को दे। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो मुझे इस तरह से हुक्म दे रही है जहाँ मैं फोन नहीं देती? एक मिनट देखूं तो सही। डार्लिंग बोलो। डार्लिंग के बच्चे? व्हाट आई मीन डार्लिंग के बच्चे की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग के बच्चे की? हाँ ओ नो 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 रितु आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम नहीं है तो मैं बिट्टू देखो बिट्टू नहीं बिट्टू प्लीज रोना मत बिट्टू। अच्छा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ तुम स्कूल जाओ। ओके हाँ 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 मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ। ओके ओके बाय बाय बाय। हाय बेटा कैसे हो तुम? डैडी आई एम फाइन। डैडी आप तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ बेटा लेकिन फोन पर तुम या करके रो रहे थे तो मैंने सोचा कि जाके तुम्हें शांत कर लूं। डैडी आर ग्रेट। थैंक्स। मम्मी कहाँ है? मम्मी हाँ? मम्मी शॉपिंग करने गई है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। उनके साथ नाना नानी भी गए हैं। अरे यार मतलब ये तो फैमिली प्रोजेक्ट बन गया। डैडी अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों? हमारे स्कूल के नए प्रिंसिपल फादर डेमेलो मम्मी से मिलने आ रहे हैं। अच्छा आप भी मिल लेना। शो व्हाई नॉट। शायद आ गए। हाँ जाओ। डैडी अरे बेटा दरवाजा खोला क्यों नहीं? देखो तुम्हारे नए प्रिंसिपल के स्वागत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। स्वागत प्रिंसिपल का नहीं करना तो? आंटी मम्मी का करना। अच्छा क्या रिकू? अरे माय गॉड वो क्यों आई अमन ने? एक तू काम कर उसे वापस भेज दे। मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ लेकिन रिंकू को बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके जरा संभाल लेना। बाय बाय। हेलो बिट्टू बेटा। व्हाट अ सरप्राइज आंटी मम्मी। घर में कोई नहीं है? नहीं मम्मी नाना नानी के साथ शॉपिंग करने गई है। अच्छा तुम्हारे डैडी आए थे क्या यहाँ? हाँ आए हैं। हाँ आए हैं? छुपे हुए हैं। कहाँ? मेरी जेब में। बदमाश कहीं का। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा ए
तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिया था ना बनाने को? हाँ, हाँ। हमारे नए प्रिंसिपल है ना, फादर डेमेलो। माय गॉड, क्या हुआ? प्रिंसिपल। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो। हेलो सर। हेलो माय सन, गॉड ब्लेस यू। नाइस टू मीट यू मिसेस खन्ना। मिसेस खन्ना, मैं नहीं जानता था कि बिट्टू की मम्मी इतनी यंग है, इतनी ब्यूटीफुल है। बिट्टू की मम्मी? वेल, आपने अपने आप को बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है, तभी तो देखिए ना आपका बेटा कितना ब्रिलियंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है। थैंक यू वेरी मच फादर डेमेलो, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, बिट्टू एक्चुअली अपने डैडी पे गया है। बाय द वे मिसेस खन्ना, मैंने सुना है कि इसके डैडी आपके साथ नहीं रहते। वो तो जी मेरे साथ ही रहते हैं, काश वो घर पर होती तो मैं आपसे मिलवा देती उन्हें। आंटी मम्मी, हाँ। डैडी ना घर पर ही है। अच्छा, क्या? हाँ, डैडी बाहर आइए ना प्लीज। हेलो रोहन। सॉरी, आई मीन मीट मिस्टर रोहन, हमारे प्रिंसिपल। नाइस मीटिंग योर फादर। सेम हियर, ही इज रियली हैंडसम। थैंक यू। एंड नाउ अबाउट द प्रोजेक्ट, हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है, इसीलिए हम आपको एक और प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। मुझे पास कर देंगे ना? माय सन, ये तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। वेल, सी यू डे आफ्टर। यस, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। बाय बाय बाय। रिंकू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ शाम को आने वाले थे ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन डार्लिंग मुझसे रहा नहीं गया। तुम मुझसे भी रहा नहीं गया। अरे बिट्टू, हमारे घर में कोई आया था क्या? हाँ, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मेरी मम्मी से मिलने आए थे। अच्छा, अरे ये रंभा यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी मम्मी बन रही थी। मतलब प्रिंसिपल सर आंटी मम्मी को मेरी मम्मी समझ बैठे क्या? वो हुआ यूं कि उन्हें थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। थोड़ी सी? तुमने गलत फहमी दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की? कैसे करती, उस वक्त मैं अकेली थी, कंफ्यूज थी। और ये अंदर छिपा हुआ था, इसी वजह से तो मजबूरी में मुझे इसकी मम्मी बनना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ओह, हाउ सैड। मम्मी डैडी, ये प्रोजेक्ट का सामान इसके हवाले कर दो, कर दो। हाँ, लो बेटा। लेकिन क्यों? ये प्रोजेक्ट अब तुम ही बनाओ। हाय, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस ऑफिस की मत पूछ यार, वो हमारा बॉस है ना, एक नंबर का खड़ूस है। अरे तुझे पता है, कभी कभी बिल्कुल मेरे करीब खड़े हो जाता है, फिर डोरे डालता है। क्या तेरा बॉस भी वैसा है? मेरा बॉस तेरे बॉस से एक कदम आगे है। जब हम फोन पे बात करते हो तो हमारे पीछे खड़े होकर हमारी सारी कॉन्वर्सेशन सुनता है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, पता नहीं शायद अभी भी पीछे खड़ा। ओके चल बा। गुड मॉर्निंग सर। शट अप, मैं खड़ूस हूँ क्यों? नहीं सर। तुम पे डोरे डालता हूँ क्यों? आप नहीं सर। अच्छा तो कौन, रोहन डालता है? अरे नहीं नहीं सर, वो हम अपने पुराने बॉस की बात कर रहे थे, मेरी फ्रेंड जो पहले आपकी सेक्रेटरी थी उससे। शट अप शट अप, ये ऑफिस में फोन पे बकवास करके टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। टाइम वेस्ट नहीं सर। अच्छा तो क्या टाइम को यूटिलाइज कर रही हो? हाँ। नहीं, शट अप। रोहन कहाँ है? रोहन को बुलाओ। जी सर। सर रोहन अभी थोड़ी देर और नहीं आ सकता है। क्यों? वो फोन पर अपनी दूसरी बीवी से बात कर रहा है। ओह माय गॉड, रोहन दुनिया का पहला आदमी होगा जो ऑफिस में आकर अपनी बीवी को फोन करता है। होता है सर, ऐसा कभी कभी होता है। अच्छा, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। आप दूसरी शादी करके तो देखिए। शट अप Shut up! You shut up, sir! I listen to me. मैं घर जा रहा हूँ। Bye, Rohan. Rohan. जा रहे हो? अरे अभी तो तुम ठीक से ऑफिस आए भी नहीं, इसलिए तो ठीक से ऑफिस से जा रहा हूँ। Let me handle it, sir. Rohan. Any problem? Very serious problem, Chutun. Very serious problem. यार मुझे बिट्टू का होमवर्क करना है। अरे तो जाओ ना। Shut up! What the hell do you mean homework? इतने बड़े हो गए फिर भी होमवर्क का मतलब नहीं जानते, सब समझाना पड़ता है। देखिए सर, क्या है, स्कूल में टीचर बच्चों को घर पे काम करने के लिए जो देती हैं, क्या है ना सर, होम का मतलब घर और वर्क का मतलब काम। शट अप, शट अप, इडियट।
अरे तुम बिट्टू का होमवर्क करोगे तो यहाँ ऑफिस का वर्क कौन करेगा? आप है ना? क्या मतलब सर, आपके पास ऑफिस का पूरा स्टाफ है ना, लेकिन मेरी तो एक ही बीवी है ना। मिस्टर रोहन, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी तो दो दो बीवियां हैं। जहाँ तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी दो दो मतलब चार नहीं, सिर्फ दो ही बीवियां हैं सर। शर्म सर, और वो दोनों बीवियां अब एक हो चुकी हैं। व्हाट? हाँ, क्या मतलब? सर मतलब ये कि वो सर, ऐसी फालतू बातें करने के लिए आपके पास वक्त होगा? मेरे पास वक्त नहीं है। अरे मेरी बीवी, मुझे बिट्टू के प्रोजेक्ट का वर्क करना है। ओहो, देखा सर, सॉरी सर, ये मेरी जेब है, मेरा देखा सर, रिंकू के बार बार ऐसे में सारे कह रही है फॉरन चले आओ, मुझे जाना होगा सर। हाँ, यू मे गो नाउ, गेट आउट बोथ ऑफ यू। सर मैं भी जाऊँ। तुम कहाँ जा रही हो? सर रोहन सर के साथ उनकी मदद करने, आफ्टर ऑल मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ सर। तुम बताना सपना, वरना बिट्टू का प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा और तुम्हारा शुरू हो जाएगा। आंटी मम्मी, स्कूल का ग्राउंड यहाँ कैसा लगेगा? नहीं बेटा, ये मेन रोड है ना, अगर क्रिकेट खेलते वक्त तुमने सिक्सर मार दिया तो। आंटी मम्मी, मैं तो पहले बॉल पे बोल्ड हो जाता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पापा अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। आंटी मम्मी, एक बात बताऊं? बताओ। किसी को मत बताना, डैडी बंडल मारते हैं। अच्छा? हाँ। टूटू अंकल मुझे एक बार बता रहे थे कि डैडी को स्कूल के क्रिकेट मैच में स्कोर लिखने का काम दिया जाता था। और डैडी एक बार हमारे साथ गली में क्रिकेट खेलने आए थे, तो डैडी ने बैट उल्टा मंगला था। और? हाँ, डैडी ना सीजन की बॉल से टेबल टेनिस खेलते हैं। और तो और, बास्केटबॉल से फुटबॉल खेलते हैं। आंटी मम्मी, आंटी मम्मी, देखिए मेरी गाड़ी क्या कर रहे हैं। आंटी मम्मी, अरे छोड़ो। अरे छोड़ो क्या, मेरे बारे में उल्टा सीधा फेंक रहा है, हैं? बेटा किसका है? डैडी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप हमें ना सेलोटेप कटिंग करके देंगे। यस यस, चलो। What? Yes, yes. No, no. ये सब काम मैं नहीं करने वाला। ए हेलो, तो ऑफिस से क्यों जल्दी आए हो तुम? अरे 50 बार ऐसे वैसे जो किए तुमने। मैंने नहीं, तुम्हारे बेटे ने किए हैं। बिट्टो। मैंने नहीं, आंटी मम्मी ने करवाए हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी काम में लगो, मैं खाना बनाती हूँ। और सुनो, तुम्हें ना ये प्लीज, हाँ ये सब लो और स्कूल की बिल्डिंग जरा पूरी कर दो। ओके? नो वे, ये सब मैं नहीं करने वाला। क्यों नहीं करोगे? तुम उसे बाप हो। हाँ, लेकिन ये सब काम माँ का होता है। उसकी माँ को बुला लो फिर। आंटी मम्मी, अब आप भी मेरी मम्मी है, ये पूरा प्रोजेक्ट आप ही मुझे करके देंगी, है ना आंटी मम्मी? मेरा मतलब मम्मी है ना मम्मी मम्मी क्या, अगर कल को तुम्हारा प्रोजेक्ट स्पॉइल हो गया तो क्या, मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे डैडी ने बनाया है। हेलो, क्या हुआ, हो गया प्रोजेक्ट रेडी? तुम क्या मेरी सुपरवाइजर हो जो एक एक घंटे में फोन कर रही हो? देखो, कल शाम को फादर डिमेलो आ रहे हैं मॉडल देखने, उन्हें क्या दिखाऊंगी? अपने आप को दिखा दो ना। What? वैसे तुम मॉडल बताओ, इतनी बुरी भी नहीं हुआ। रिंकू रिंकू, देखो फोन पे झगड़ा शुरू मत करो प्लीज। फोन पे नहीं करूँ तो उसे यहाँ बुला के झगड़ू? आंटी मम्मी, मैं मम्मी से बात कर लूँ? बिल्कुल करो बात। और हाँ, उनसे ये भी कह देना, अगर उसे तुम्हारे प्रोजेक्ट की इतनी चिंता है ना, तो यहाँ आए और तुम्हारा प्रोजेक्ट लेकर जाए। मम्मी! बेटे बेटे, कैसे हो, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? तकलीफ? अरे नहीं मम्मी, आंटी मम्मी तो मेरी बिल्कुल असली मम्मी बन गई है। हा? और प्रोजेक्ट भी इतना अच्छा बना रही है, डैडी भी हमारी मदद कर रहे हैं। क्या? बेटा एक मिनट, जरा मैं बात करता हूँ। रितू, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये सारा सामान बिट्टू के साथ भिजवा रहा हूँ। वो क्या है ना, रिंकू से प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, तो तुम ही प्रोजेक्ट बना दो प्लीज। हेलो हेलो रोहन, सुनाई नहीं दे रहा है,
मेरा नाटक शुरू। क्या रोहन, ये ब्रिज क्यों बार बार गिर रहा है? मैं कुछ पैसे खा के थोड़े ब्रिज बना रही हूँ रोहन। क्या रोहन, तुम सो रहे हो और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ऐसा ही होता है डार्लिंग, बच्चे का होमवर्क उसकी माँ को ही करना पड़ता है। बाप तो बाप, बच्चा भी सो रहा है। ऐसा ही होता है डार्लिंग, बच्चा सो जाता है, बच्चे का बाप भी सो जाता है, होमवर्क उसकी माँ को ही करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि माँ बनना इतना मुश्किल है। माँ बनना बहुत आसान है डार्लिंग, लेकिन माँ की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल है। Stop being a philosopher. तीखी मिर्ची खा गया भैया। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारा दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा। ओह यस, जब फादर डिमेलो ने रिंकू की बच्ची को तुम्हारी मम्मी समझा तो तुमने ये बात क्लियर क्यों नहीं की कि ये तुम्हारी आंटी मम्मी है, असली मम्मी नहीं? अरे उसने नहीं बताया तो क्या हुआ? तुम प्रिंसिपल को जाके नहीं बता सकती थी कि तुम इसकी असली मम्मी हो? नहीं, मैं देखना चाहती थी कि तुम मम्मी बनकर कैसे फ्लॉप होती हो। तुम अगर मेरी जगह होती ना तो तुम भी फ्लॉप हो जाती। ओह प्लीज यार, प्लीज चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो, तुम्हारे झगड़े में कुतुब मीनार गिर जाएगा। प्लीज 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 मुझे सोचने दो। अरे सोचना तो तुमने बहुत पहले चाहिए था। ए बी सी डी ई एफ जी। अल्फाबेटिकल फाइट बंद करो, यहाँ सबको ए टू जेड तक अल्फाबेट्स पता है। प्लीज ए बी सी डी। तू करेगा ये सब एग्जाम में लिख। चुप। क्या बोलूं क्या बोलूं, मैं लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अब तक नहीं थे क्या? गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। अरे आइए आइए। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। सो बिट्टू, प्रोजेक्ट तैयार है? Absolutely ready. आपके सामने है फादर। ये है फादर क्रिस्टो, हमारे स्कूल के अप्रूव्ड सिविल इंजीनियर। अभी जो प्रोजेक्ट है ये इन्हीं की देखरेख में बनेगा। अच्छा, कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट। ये क्या है? अरे कोई बताएगा इस मॉडल के बारे में? मी? नो। मैं बताऊंगा। हटना बेटू, हटिए। सॉरी, आप ही को तो एक्सप्लेन करना है, आप यही रहिए। वेल ये जो है फादर, ये एक ऑल इन वन स्कूल मॉडल है। वो जो हरा दिखाई दे रहा है वो स्कूल का स्विमिंग पूल है। वो सिर्फ टेनिस? हाँ, मतलब पानी निकालकर टेनिस भी खेल सकते हैं। और वो जो है वो स्कूल की बिल्डिंग है। एक्सप्लेनेशन ओवर। लेकिन ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल, ये छोटा सा बादल, उसके अंदर पानी, ये छोटा सा पहाड़, उसके ऊपर जी पाउडर, और ये धनुष, ये तलवार, ये सब क्या है? शांत शांत फादर, मैं आपको बताता हूं। देखिए फादर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये ऑल इन वन स्कूल मॉडल है। फादर ये है ताजमहल और यह है कुतुब मीनार। सॉरी, यह है कुतुब मीनार और यह है ताजमहल। फादर, इससे बच्चे जो हैं हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। राइट। और ये तलवार फादर। बच्चों को सीधे जोधा अकबर के काल में ले जाएगी। आप रख लीजिए। और ये जो है फादर, ऐसा वैसा पर्वत नहीं है, ये है महापर्वत। और ये पाउडर नहीं है, ये है ठंडा ठंडा बर्फ। ठंडी है ना पाउडर। और ये फादर पानी की बोतल नहीं, ये है मानसरोवर झील। खूबसूरत मानसरोवर झील का पानी चखेंगे आप? फादर, इससे बच्चों की ज्योग्राफी पक्की हो जाएगी। और ये जो है फादर,
वो ज्योमेट्री के क्लासरूम्स हैं, जानबूझकर इसके छत को त्रिकोणीय बनाया गया है। रिमोट कंट्रोल से ये छत उखड़ जाएगा और बच्चे आसानी से ज्योमेट्री पढ़ सकेंगे। मतलब फादर, आप बच्चों को अंदर पढ़ाएंगे और बच्चे अपनी गाड़ी चलाते हुए बाहर पढ़ेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं। वेल डन। थैंक यू सर, लेकिन शाबाशी मेरी मम्मी को दीजिए सर। कांग्रेचुलेशंस मिसेस खन्ना। मिसेस खन्ना, हमें आपका ये मॉडल बहुत अच्छा लगा और अपने स्कूल के नए एनेक्स के लिए हम इसे अप्रूव करते हैं। एक मिनट, एक बात और। स्कूल की तरफ से बिट्टू की मम्मी यानी मिसेस रीटू खन्ना के नाम दिया जाएगा। अरे हेलो, एक्सक्यूज मी, ये चेक रितु खन्ना के नाम पर ही जाएगा। हाँ। मैं हूँ इसकी असली मम्मी। ना चेक आपके नाम बनेगा, ना चेक आपके नाम बनेगा, चेक बनेगा बिट्टू के डैडी के नाम। अरे क्यों, इनका नाम क्यों? भाई देखिए, इस प्रोजेक्ट से अच्छा तो इनका एक्सप्लेनेशन था। आपके इस टैलेंट से हम बहुत इंप्रेस हुए। थैंक यू वेरी मच फादर। और इसके साथ ही हम आपको एक और प्रोजेक्ट देते हैं। अरे शोर मचा है अब गलियों में।